स्वागत है आपका टुडे करंट अफेयर्स में। शुरू करते हैं आज का प्रश्न, एमपॉक्स के शुरुआती लक्षण क्या हैं? ए बुखार, सिर दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। बी खांसी और सांस लेने में तकलीफ। सी मतली और चक्कर आना। डी दस्त और उल्टी। आंसर ए बुखार, सिर दर्द और सूजी हुई लिम्फ नोड्स। एक्सप्लेनेशन, एमपॉक्स मंकी पॉक्स एक बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरस के कारण होती है। यह एक वायरल संक्रमण है जो लोगों के बीच मुख्य रूप से निकट संपर्क के माध्यम से और कभी कभी पर्यावरण से लोगों में उन चीजों और सतहों के माध्यम से फैल सकता है जिन्हें एमपॉक्स वाले व्यक्ति ने छुआ है। इसके प्रारंभिक लक्षण बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द, पीठ दर्द, सूजी हुई लिम्फ नोड्स, ठंड लगना और थकावट है। अगला प्रश्न, विश्व संस्कृत दिवस आमतौर पर कब मनाया जाता है? ए अक्षय तृतीया। बी श्रावण पूर्णिमा। सी मकर संक्रांति। डी दशहरा। आंसर बी श्रावण पूर्णिमा। एक्सप्लेनेशन, विश्व संस्कृत दिवस या विश्व संस्कृत दिनम प्राचीन भारतीय भाषा संस्कृत का सम्मान करने के लिए प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये श्रावण पूर्णिमा को मनाया जाता है जो आमतौर पर रक्षा बंधन के साथ मेल खाता है। इस वर्ष यह 19 अगस्त 2024 को मनाया गया। अगला प्रश्न, किस बल्लेबाज ने अंतर्राष्ट्रीय T20 क्रिकेट में एक ओवर में सबसे ज्यादा रन बनाने के युवराज सिंह का रिकॉर्ड को तोड़ दिया है? ए डेरियस विसर। बी निकोलस पुरन। सी किरोन पोलार्ड। डी दीपेंद्र सिंह डेयरी। आंसर ए डेरियस विसर। एक्सप्लेनेशन, समोआ के मध्यक्रम के बल्लेबाज डेरियस विसर ने 20 अगस्त को वनातू के खिलाफ एक ओवर में 39 रन बनाकर T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नया रिकॉर्ड बनाया। विसर ने साथ ही युवराज द्वारा 17 साल पहले बनाए गए रिकॉर्ड एक ओवर में सबसे ज्यादा 36 रन बनाने का को भी तोड़ दिया। इसके अलावा वेस्टइंडीज के किरोन पोलार्ड ने 2021 में, निकोलस पुरन ने 2024 में और नेपाल के दीपेंद्र सिंह एरी ने 2024 में एक ओवर में 36-36 रन बटोरे थे। अगला प्रश्न, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के उद्घाटन समारोह के लिए भारत के ध्वजवाहक के रूप में किसे चुना गया है? ए मनीष नवाल। बी देवेंद्र झाझरिया। सी नीरज चोपड़ा। डी सुमित अंतिल। आंसर डी सुमित अंतिल। एक्सप्लेनेशन, भारत की पैरालंपिक समिति ने टोक्यो पैरालंपिक के स्वर्ण पदक विजेता पैरा एथलीट सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव को 2024 पेरिस पैरालंपिक खेलों के उद्घाटन समारोह के लिए भारतीय ध्वजवाहक के रूप में नामित किया है। विकलांग एथलीटों के लिए 17वां ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 28 अगस्त से 8 सितंबर 2024 तक पेरिस, फ्रांस में होगा। अगला प्रश्न, हर साल सद्भावना दिवस किसकी जयंती पर मनाया जाता है? ए अटल बिहारी वाजपेयी। बी राजीव गांधी। सी सुषमा स्वराज। डी महात्मा गांधी। आंसर बी राजीव गांधी। एक्सप्लेनेशन, 20 अगस्त को पूरे देश में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती को हर साल सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। राजीव गांधी 1984 से 1989 तक भारत के प्रधानमंत्री थे। ये दिवस एक समृद्ध, एकजुट और शांतिपूर्ण भारत के लिए उनके दृष्टिकोण की याद दिलाता है।